पास में जाकर कितना भी सच जानने की कोशिश करे, जिस आदमी के साथ वो चीजें हुई थी वही सच बता सकता है। हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी मूवी नैटली 2010 की एक मिस्ट्री रोमांस मूवी है। इसी थीम पर बेस्ड है। एक स्कल्प्टर और उसका स्टूडेंट ये 10 साल बाद मिलते हैं। 10 साल पहले की एक लड़की को लेकर ये मिस्ट्री है, तो इसे अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए, इसे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है। बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम है जून ह्यूक, एक स्कल्पचर आर्टिस्ट है। आज उसका एग्जीबिशन था तो सारे स्कल्पचर बिक गए। उसने सिर्फ एक स्कल्पचर को सेल नहीं किया, इसका नाम है नैटली, क्योंकि नैटली उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जून ह्यूक की एक कलीग है जिसका नाम है ह्योरिम। ह्योरिम उसके पास आती है, उसे कहती है कि आपका एक स्टूडेंट है जो आपसे मिलना चाहता है, क्या मैं उसे मना कर दूं? जून कहते कि उसे आने दो। थोड़ी देर में जब ह्योरिम घर जा रही थी तो स्टूडेंट को नोटिस करती है, इसका नाम है मिनवू। वो मिनू से पूछती है तुम यहाँ आए क्यों हो? मिनू कहता है मुझे नैटली बाय करनी है। ह्योरिम कहती है कि वो सेल नहीं करेंगे, वैसे भी तुम क्यों बाय करना चाहते हो? मिनू कहता है कि नैटली को लेकर मेरा एक सीक्रेट है जो उसे नहीं बताएगा। जून ह्यूक नैटली को देखकर गुस्सा था, उसे तोड़ने की कोशिश करता है पर कर नहीं पाता, क्योंकि उसका बेस्ट पीस ऑफ आर्ट ये है। थोड़ी देर में मिन जून ह्यूक के पास पहुंचा, वो लेट हो चुका था। जून ह्यूक कहते हैं एग्जीबिशन खत्म हो चुका है, कहता है मुझे आपके काम के बारे में लिखना है। जून ह्यूक इसमें थोड़ा भी इंटरेस्टेड नहीं होता, तो मिनू कहता है कि मैं आपकी क्लास में था, मुझे नैटली के बारे में जानना है। मिनू नैटली के स्कल्पचर को देखता है, कहता है ऐसा लगता है कि जिंदा है, इसी का वेट कर रही है। उसने पूछा नैटली के पीछे रियल मॉडल कौन थी? जूनू कहता है ऐसी कोई भी मॉडल नहीं है। जून ह्यूक मिनू से कहता है तुम लोगों के आर्ट पर क्रिटिक करते हो, उनसे कमेंट लेते हो, यानी कि कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल बन जाए, ये किस तरह का जॉब है? मिनू कहता है कि मैं आपके आर्ट को अप्रिशिएट करता हूँ, इसी वजह से उसकी कोई वैल्यू है। जूनू कहता है तुम्हें आर्टिस्ट की वैल्यू पता नहीं है। मिनू कहता है जिस तरीके से मैं आर्टिस्ट की वैल्यू नहीं करता, उसी तरीके से आप वुमन की वैल्यू नहीं करते। ये सुनकर जूनू सरप्राइज था। वो पूछता है क्या तुम होरिम के बारे में बात कर रहे हो? उसे मेरा आर्ट पसंद नहीं आता क्योंकि वो मेरे प्यार में है, वो मुझे पा नहीं सकते। वो मेरे वर्क के बारे में रिव्यू दिया करती थी, वो और भी ज्यादा इंटरेस्टेड हो गई। हम दोनों में रिलेशनशिप हुई, उसने मुझे पा तो लिया पर वो फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी। उसे पता था कि मैं हमेशा के लिए किसी और से ही प्यार करता रहूंगा, मैं पूरी तरीके से उसका नहीं हो पाऊंगा, इसीलिए सारा फ्रस्ट्रेशन वो मेरे काम पर निकालती है। उसने मीनू से कहा तुम्हारी शादी हो चुकी होगी, अपनी वाइफ से तुम शायद बहुत प्यार करते हो, इसी वजह से तुम्हें इन सब बातों के बारे में पता नहीं, तुम बहुत ही सीरियस लगते हो, तो शायद कभी तुमने अपनी वाइफ पर चीट भी नहीं किया। मीनू कहता है सारे आदमी तुम्हारी तरह नहीं होते, कुछ कपल एक दूसरे के साथ ही खुश होते हैं। जूनू कहता है कि अगर ऐसा है तो इस कंट्री में टेम्पल से ज्यादा मोटेल्स क्यों है? वो एक हाउस वाइफ के बारे में बताता है, कहता है उसका हस्बैंड 11 बजे चला जाता था तो मुझे कॉल करती थी। ऐसे ही बहुत सारी हाउस वाइफ का अफेयर चलता है, तुम्हें क्या पता, शायद तुम्हारी वाइफ का भी अफेयर चल रहा होगा। इस पर मीनू को गुस्सा आ गया था पर उसने कंट्रोल कर लिया। मीनू पूछता है आपने 10 साल पहले कहा था कि आप कोई भी स्कल्पचर क्रिएट नहीं करेंगे, इसके बाद क्या हुआ? जूनू झूठ कहता है। जूनू कहता है कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मेरा मन हमेशा बदलता रहता है, पर यह बात झूठ थी, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। मीनू ने कहा हर एक आर्ट की प्राइस होती है। उसने अलग अलग स्कल्पचर्स की प्राइस बताई। उसने कहा कि मैं बाय करना चाहता हूँ, वो प्राइस के बारे में ज्यादा सोचता नहीं। जूनू कहता है नैटली मेरे लिए बहुत स्पेशल है, इसे मैं कोई भी प्राइस नहीं दे सकता। जूनू समझ गया मीनू सिर्फ रिव्यू में इंटरेस्टेड नहीं है, उसके यहाँ आने का रीजन कुछ अलग है। मीनू ने फिर से पूछा नैटली कौन है? ये सब बातें ह्योरिम सुन रही थी, उनके पास आई और कहा मैं नैटली हूँ। जूनू कहता है तुम कभी भी नैटली नहीं बन सकती। इससे ह्योरिम को बहुत ही हर्ट महसूस हुआ, वो इसे नीचे गिरा देती है पर मीनू भागते हुए जाता है और इसे बचा लेता है। अब जूनू 10 साल पहले की बात बताना स्टार्ट करता है, कहता है मुझे वर्ल्ड का सबसे ब्यूटीफुल स्कल्पचर बनाना था, इसके लिए मैंने बहुत ट्राई किया, ह्योरिम भी उसकी मॉडल बनी, पर सब कुछ उसे इमिटेशन लगता था, किसी में भी वो बात नहीं थी। उसने महीनों लगा दिए पर फिर भी वो कुछ स्टार्ट नहीं कर पाया। उन दिनों जून ह्यूक यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करता था, कॉलेज में डांस प्रैक्टिस चल रही थी, उसी वक्त उसने फर्स्ट टाइम मीरान को देखा।
वो उसे बहुत ब्यूटीफुल लगी। बाद में मीरान जुनहुक के क्लास में आई। मीरान को देखकर जुनहुक इंस्पायर्ड हुआ। वो मीरान की ब्यूटी पूरी तरीके से स्कल्पचर में उतारना चाहता था। इसके बाद सेमेस्टर का एंड आ चुका था। अपनी बुक पर ऑटोग्राफ लेने के लिए मीरान जुनहुक के पास आई। जुनहुक कहता है कि मैं इस पर क्या लिखूं? वो कहती है, तुम मुझे चाहिए हो, मैं चाहती हूँ कि आप मेरा स्कल्पचर बनाओ। मीनू कहता है कि आप झूठ बोल रहे हो, मीरान ऐसा कभी भी नहीं करेगी। इस बात को इग्नोर कर जुनहुक आगे बढ़ता है। जुनहुक फिर मीरान को अपने स्टूडियो में लेकर गया। उसकी ब्यूटी सही तरीके से दिख पाए इसी पोजीशन उसे दी। इन सब चीजों में एक दूसरे के पास आ गए थे, दोनों इंटीमेट हो गए। जुनहुक कहता है, हमारा प्यार टाइम के साथ स्ट्रांग होता गया। वो मुझे बहुत एक्साइट करती थी, मैं बार बार दिन रात उसे प्यार कर सकता था। मैं मर भी जाता फिर भी उससे ही प्यार करता। मीनू फिर से उसे इंटरप्ट कर देता है, कहता है, कुछ भी झूठ मत बोलो, अगर तुम उससे इतना प्यार करते थे तो उसे शादी क्यों नहीं की? जिस मीरान को मैं जानता हूँ बहुत ही अलग थी, वो प्योर थी, मिस्टिकल थी, जैसे किसी पौराणिक कथा से आई हो। वो मानो एक ब्यूटीफुल पेंटिंग से खुद चलकर बाहर आई हो। मीनू ने नोटिस किया था कि जब भी जुनहुक मीरान के पास होता था तो अनकंफर्टेबल हो जाती थी। एक दिन मीनू ने मीरान को अप्रोच किया, उसे कहा, मैं तुम्हारी बहुत अच्छी सी पेंटिंग बना सकता हूँ, क्या तुम मेरी मॉडल बनोगी? मीरान को भी अच्छा लगा था, पर तभी जुनहुक इनके बीच में आ गया। मीनू को लगता है जुनहुक ने मीरान से कहा था, मुझे तुम चाहिए हो। वो फिर मीरान को जबरदस्ती उसके स्टूडियो में लेकर गया, अपने आर्ट के नाम पर उसे जबरदस्ती की। प्रेजेंट में जुनहुक मीनू से कहता है, तुम्हारी मेमोरी को डिस्टॉर्ट कर रहे हो, तुम्हें जो लगता है ऐसा कुछ भी नहीं था। मीनू कहता है, तुम्हारा एज बढ़ चुका है, तुम उसे ऑब्सेस्ड है, तो इसी वजह से अपने माइंड में कोई भी लव स्टोरी बना ली है। तुमने सिर्फ उसका फायदा उठाया, जब तुम्हें बुरा लगा तो उसे छोड़ दिया। जुनहुक कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसा टाइम गुजरता गया तो हम एक दूसरे में सिर्फ फिजिकल प्लेजर ढूंढने लग गए थे, मैं उसका एडिक्टेड हो गया, और वो भी। एक दिन मीरान ने पूछा, क्या आप मुझसे शादी करना चाहते हो? जुनहुक कहता है, हमें ऐसा सोसाइटी की वजह से करना पड़ता है, हमारे प्यार को कोई भी डेफिनेशन देने की जरूरत नहीं है। वो मीरान के साथ सिर्फ लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहता था, उसे ये नहीं पता था मीरान प्रेग्नेंट है। मीरान ने फिर भी इसे एक्सेप्ट कर लिया था। हमेशा एक दूसरे में खोए रहते थे, बाकी कोई भी चीज इन्हें करना अच्छा नहीं लगता था। जैसे कि हमें पता है जुनहुक उन दिनों नेटली क्रिएट कर रहा था, मीरान की वजह से वो इस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाया, उसका फ्रस्ट्रेशन बढ़ता चला जाता है। मीरान को भी ये बात समझ में आ गई। एक दिन जब एक साथ थे तो जुनहुक सोया हुआ था। नैटली उसे कहती है, अब मैं तुम्हारी लाइफ से चली जाऊंगी, तुम्हें 10 साल का वक्त दूंगी, इसके बाद फिर से तुम्हारे पास आऊंगी। एक्चुअल में जुनहुक जगा हुआ था, उसे प्रिटेंड करता है कि वो सोया हुआ है। ये सब बातें सुनी वह उसने उसे रोका नहीं। मीनू प्रेजेंट में कहता है, कितने पागल हो, आज 10 साल कंप्लीट होने वाले हैं, तुम अभी भी उसका वेट कर रहे हो, वो शायद तुम्हें भूल भी चुकी है। जुनहुक कहता है, तुम मुझे क्यों पागल बोल रहे हो, तुम भी तो मीरान से वन साइडेड प्यार करते थे, 10 साल बाद तुम भी यही हो। मीनू फिर अपनी स्टोरी बताना स्टार्ट करता है। जब मीरान और जुनहुक का ब्रेकअप हो गया तो मीनू हमेशा मीरान के साथ ही होता था। मीनू ने रियलाइज किया मीरान का ब्रेकअप हो चुका है, पर फिर भी वो पूरी तरीके से उसकी नहीं बनेगी, वो बहुत सैड थी। प्रेजेंट में जुनहुक मीनू से कहता है, तुम्हें क्या लगता है, तुम उसे मुझसे ज्यादा अच्छे से समझते हो? मीनू कहता है, वो मेरी अब वाइफ है। इसे जुनहुक सरप्राइज्ड हो गया। मीनू ने फिर अपनी स्टोरी कंटिन्यू की। मीनू हमेशा से मीरान से बहुत प्यार करता था, तो एक दिन मीरान उसके पास आई। उसने पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? मीनू हाँ कहता है। वो पूछती है, क्या हमेशा करते रहोगे? मीनू ने कहा, मरने के बाद भी। मीरान कहती है कि मैं अभी भी किसी और से प्यार करती हूँ, क्या फिर भी तुम मुझसे प्यार कर सकते हो? मीनू कहता है, मुझे इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों ने फिर शादी कर ली। प्रेजेंट में जुनहुक कहता है, मीरान के लिए मैंने 10 साल वेट किया, हमेशा उसके लिए तड़पता रहा, और वो मजे कर रही थी, तुम्हारे साथ थी, खुश थी। वो उसे हेट करने लगता है, कहता है, नैटली मीरान नहीं है, ऐसे एक लड़की के साथ में सोया था, उसी का स्टैचू बना दिया है, वो हर्ट है, इसी वजह से सब बातें कर रहा था। उसने कहा, जाओ और तुम्हारी वाइफ को बता दो कि मैं सब कुछ बातें वापस लेता हूँ, उसके साथ बिताए हुए टाइम को मैं रिग्रेट करता हूँ। मीनू कहता है कि मैं उसे बता नहीं पाऊंगा,
क्योंकि उसकी डेथ हो चुकी है। जुनहुक को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। अब हमें पता चलता है एक्चुअल में हुआ क्या था। जैसे कि हमें पता है कि मीरान जुनहुक की वजह से प्रेग्नेंट थी, उसने मिनहू से शादी कर ली थी। थोड़ा टाइम बीत गया, फिर मीरान को पता चला कि उसे कैंसर है। अब उसके पास चॉइस थी, एक तो बेबी जिंदा रह सकता है या वो। मिनहू कहता है कि हम बेबी का अबॉर्शन कर लेंगे, तुम्हें जीना बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम फिर से प्रेग्नेंट रह सकती हो। मीरान उसे मना करती है, कहती है ये मेरा फर्स्ट बेबी है, ये जुनहुक के पैर की निशानी थी तो इसे मिटाना नहीं चाहती थी। मीरान की डिलीवरी तो सक्सेसफुल हुई, उसके बाद पूरा कैंसर उसके बॉडी में फैल चुका था। मिनहू हमेशा उसका ख्याल रखा करता। एक दिन मीरान ने उसे सॉरी कहा सब चीजों के लिए। ये एक दूसरे को लास्ट टाइम आई लव यू कहते हैं। मीरान अपनी बेटी के साथ खेल रही थी तभी उसकी डेथ हो गई। प्रेजेंट में जुनहुक कहता है कि क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो। मिनहू ने कहा मीरान तुम्हारा लास्ट तक वेट कर रही थी। वो जब मरने वाली थी तब उसने जुनहुक को लेटर लिखा था। ये लेटर मिनहू ने निकाल लिया, ये कभी जुनहुक के पास पहुंच ही नहीं पाया। यही लेटर वो 10 साल बाद जुनहुक को वापस करता है। इस लेटर में मीरान ने लिखा हुआ है कि मैंने तुमसे जो प्रॉमिस किया था कि मैं तुमसे 10 साल बाद मिलूंगी, अब वो पॉसिबल नहीं। जुनहुक यह सब पढ़कर बहुत रोता है। उसने मिनहू से कहा क्या मेरी बेटी को कभी मुझसे मिलाने के लिए लेकर आओगे। मिनहू इस पर कुछ भी नहीं बोलता और वहां से चला जाता है। जुनहुक को मीरान की सब कुछ बातें याद आई। नेटली ये मीरान की ब्यूटी कैप्चर करने का सिर्फ एक ट्राई था। अपने आर्ट में तो सक्सेसफुल हो गया पर उसने मीरान को हमेशा के लिए खो दिया। एम्बिशन और प्यार इन दोनों में चूज करने की एक दर्दनाक ट्रेजेडी ये मूवी बताकर जाती है। जिसे आप प्यार करते हो कभी भी उसे जाने नहीं देना चाहिए, बाकी चीजें लाइफ में आती रहती है, अगर वैसा नहीं किया तो बाद में पछताना पड़ सकता है। इसी के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।